हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम वंस अगेन इन योर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द यूजेस ऑफ इट। आज हम सीखेंगे इट के यूज के बारे में, और ये जो है पार्ट फर्स्ट है। इसके बाद आपको पार्ट सेकेंड, पार्ट थर्ड और पार्ट फोर्थ भी मिलेंगे। यूज ऑफ इट के बारे में अगर देखा जाए तो इसका जो सेंटेंस बनेगा वो किस सेंटेंस पे बनता है, जैसे समय हो चुका है या समय हो गया है, इस तरह का। जैसे कोई सेंटेंस आपके बोलते समय आता है, जैसे दो दिन हो गए हैं, तो यहाँ पे क्या है, समय हो गया है, दो दिन हो चुके हैं, ये भी एक तरह का सेंटेंस है। तो अगर इस तरह के सेंटेंस आपके आते हैं, जैसे दो दिन हो गए हैं, चार घंटे हो गए हैं, पांच घंटे हो गए हैं, चार महीने हो गए हैं, दो साल हो गए हैं, या कई साल हो गए हैं, इस तरह के सेंटेंस अगर आपके सामने आते हैं तो आप जो है सब्जेक्ट इट का प्रयोग करेंगे। आप किसका प्रयोग करेंगे, आप सब्जेक्ट इट का प्रयोग करेंगे, और जो इसके साथ आप हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे वो होगी आपकी हैज बीन। क्या होगी वो, हैज बीन, क्योंकि वी नो दैट हैज के साथ, इट के साथ हमेशा क्या है, हैज ही आता है। तो यहां पर क्या यूज करेंगे, आप हैज बीन यूज करेंगे। ओके, जैसे दो दिन हो गए हैं, जैसे एग्जांपल लेट्स सी, दो दिन हो गए हैं, ठीक है, दो दिन हो गए हैं, आप इसको क्या कहेंगे, आप क्या कहेंगे इसको, इट हैज, मैं यहां ले देता हूं, देखिएगा, लेट्स सी, यहां पर इट हैज बीन टू डेज, इट हैज बीन टू डेज, आप क्या कहेंगे, इट हैज बीन टू डेज, दो दिन हो गए हैं, मीन्स इट हैज बीन टू डेज। अगर आपको कहना हो पांच दिन हो गए हैं तो आप क्या कहेंगे, इट हैज बीन फाइव डेज, क्या कहेंगे, इट हैज बीन फाइव डेज। दो महीने हो गए हैं तो आप क्या कहेंगे, इट हैज बीन टू मंथ्स, आप क्या कहेंगे, इट हैज बीन टू मंथ्स। दस महीने हो गए हैं, क्या कहेंगे, इट हैज बीन टेन मंथ्स, ओके, इट हैज बीन टेन मंथ्स कहेंगे। कई साल, देखिएगा, दो साल हो गए हैं तो आप क्या कहेंगे, इट हैज बीन टू ईयर्स, आप बोलेंगे इट हैज बीन टू ईयर्स, ओके, इट हैज बीन टू ईयर्स, इट हैज बीन 20 years, यू कैन से ऑल्सो इट हैज बीन 20 years, मतलब क्या हो गया, 20 साल हो गए हैं, 50 साल हो गए हैं, मीन्स इट हैज बीन 50 years। इसी तरह से अगर यहाँ पे दूसरा कोई कॉन्सेप्ट आता है, जैसे ये तो बहुत इजी था, दो दिन हो गए हैं, ठीक, दो घंटे हो गए हैं तो आप क्या यूज करेंगे, मीन्स दो घंटे हो गए हैं तो आप यहीं पे जो टू डेज की जगह पर सिर्फ आप क्या लिख दीजिए, टू आवर्स, आप क्या लिख दीजिए, टू आवर्स लिख दीजिए, ओके। दस घंटे हो गए हैं तो आप क्या लिखेंगे, 10 hours, ओके। दस मिनट हो गए या पांच मिनट हो गए तो आप क्या लिखेंगे, 5 minutes, मतलब 5 मिनट हो गए हैं। इसके लिए आप पूरा का पूरा सेंटेंस आपका सेम रहेगा, इट हैज बीन 5 मिनट्स, मतलब कि 5 मिनट हो गए हैं, 20 मिनट हो गए हैं या 25 मिनट हो गए हैं या 30 मिनट्स हो गए हैं, जैसे सपोज 30 मिनट हो गए, 30 मिनट हो गए, इट हैज बीन 30 minutes, यहां पे 30 मिनट्स हो गया, ओके, मतलब इसका क्या हुआ, इट हैज बीन 30 मिनट्स, मीन्स 30 मिनट हो गए हैं। अच्छा, अगला सेंटेंस अब देखिए इसी पैटर्न पे, जैसे एक और देखिए, कई दिन हो गए हैं, कई दिन हो, आप इसके लिए आप क्या लिखेंगे, इट हैज बीन
कई दिन मतलब क्या होता है, मेनी डेज, कई दिन। कई दिन के लिए आप यहां पे जो कई दिन आया है इसके लिए आप क्या यूज करेंगे, मेनी डेज का यूज करेंगे। ओके, कई दिन के लिए मेनी डेज का यूज करेंगे। सपोज यहां पे रहता है कई दिन हो गए, कि यहां पर आप क्या होता है कई महीने हो गए हैं, तो आप क्या लिखते हैं मेनी, फिर आप क्या लिखते हैं यहां पर मेनी मंथ। कई साल हो गए हैं मीन्स आप क्या लिखते हैं मेनी ईयर्स, फिर आप क्या लिखते मेनी ईयर्स। अब देखिए यहां पर कुछ और आ गए साथ है, यहां पे अगर जोड़ दिया जाए, देखिए मैं तीसरा पैटर्न लेकर आता हूं आप लोगों के बीच में, ये देखिए अगर यहां पे रहता मुझे कई दिन हो गए हैं, मुझे कई दिन हो गए, देखिए यहां पर मुझे कई दिन हो गए हैं, ठीक है, मुझे कई दिन हो गए हैं, तो आप क्या लिखेंगे इसको, सेम वही रहेगा, इट हैज बीन मेनी डेज, मतलब कि इसका मतलब क्या हुआ, कई दिन हो गए हैं। इट हैज बीन मेनी डेज मीन्स व्हाट, कई दिन हो गए हैं, किसे, मुझे। तो अब यहां पे आप क्या लिखेंगे, टू मी, मुझे कई दिन हो गए हैं। सपोज यहां पर कुछ और लिखना होता जैसे उसे कई दिन हो गए हैं, तो फिर क्या लिखते हैं आप यहां पर, इट हैज बीन, यहां पे टू के, इट हैज बीन मेनी डेज टू हिम, या यू कैन से हर आल्सो, ओके। अगर किसी मतलब लिखे, मैं यहां को राम को कई दिन हो गए हैं, इट हैज बीन मेनी डेज टू राम, ओके। अगर मैं कहूं कि मेरी बहन को कई दिन हो गए हैं, तो फिर मैं कहते हैं यहां पर इट हैज बीन मेनी डेज टू माय सिस्टर, इट हैज बीन मेनी डेज टू माय सिस्टर, ओके। जैसे नौकर को कई दिन हो गए हैं, इट हैज बीन मेनी डेज टू सर्वेंट, यहां पे आप क्या लिखते टू सर्वेंट लिखते, ओके। यहां पे जैसे मुझे उसे कि ना राम को श्याम को गीता को या फिर कुछ भी हो, नौकर को मालिक को गार्डनर को, तो आप यहां पे सिर्फ उसको लिख लें टू सर्वेंट, मतलब कि नौकर को टू गार्डनर, मतलब कि मालिक को कई दिन हो गए हैं, तो फिर क्या आप लिखेंगे टू गार्डन गार्डनर, ओके। अच्छा इसे यहां पे जैसे टू हिम मतलब क्या हो गया, टू हिम मतलब उसे या फिर हर, टू माय सिस्टर मीन्स क्या हो गया मेरी बहन को, ओके। इस तरह से आप आगे लिख सकते हैं, ओके आगे देखते हैं। अच्छा ये मुझे कई दिन हो गए हैं, अगर यहां पे रहता मुझे कई को अगर हटा देते यहां पे सेफ लिख देते मुझे दो दिन हो गए हैं, ओके मुझे दो दिन हो गए हैं, तो आप यहां पर फिर क्या है मेनी को इरेज करिए और यहां पे क्या लिख दीजिए इट हैज बीन टू डेज, और किसे किसे किसकी बात हो रही है, इट हैज बीन टू डेज किसकी बात, सपोज मेरी बात हो रही है तो मैंने कहा टू मी मुझे कई दिन हो गए हैं, ओके। टीचर को कई दिन हो गए हैं टू टीचर, मतलब टीचर को कई दिन हो गए मीन्स टू टीचर। नौकर को कई दिन हो गए टू सर्वेंट, ओके ओके। देखिए मोनिका को कई दिन हो गए मीन्स टू मोनिका, राहुल को कई दिन हो गए हैं तो फिर आप क्या लिखेंगे टू राहुल, देखा राहुल को दो दिन हो गए हैं तो फिर आप क्या बोले इट हैज बीन मेन इट हैज बीन टू डेज, किसको राहुल को दो दिन हो गए, इट हैज बीन टू डेज टू किसको टू मी मिस मुझे, इट हैज बीन टू डेज टू टीचर मतलब कि टीचर को दो दिन हो गए हैं, इट हैज बीन टू डेज टू सर्वेंट मीन्स नौकर को दो दिन हो गए हैं, इट हैज बीन टू डेज टू मोनिका मतलब कि मोनिका को दो दिन हो गए हैं। अच्छा यहाँ पे डेज की जगह पर आप इरेज करके दिन की जगह पर आप इरेज करके आप यहाँ पे क्या लिख सकते हैं मंथ भी लिख सकते हैं माह भी लिख सकते हैं ना माह भी लिख सकते हैं वर्ष भी लिख सकते हैं, तो अब यहाँ पे मंथ आ जाएगा तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे टू मंथ लिखेंगे, ओके। अगर वर्ष रहेगा तो फिर आप क्या लिख देंगे वर्ष, अगर यहाँ पर रहेगा तो आप यहाँ पे इयर्स लिख देंगे, बिल्कुल सिंपल है, कुछ करना है नहीं ओके।
जैसे मुझे दो दिन हो गए हैं, मुझे चार दिन हो गए हैं, उसे चार दिन हो गए हैं, इस तरह के सेंटेंस में बस आपको कुछ करना नहीं है। इट हैज बीन टू मंथ्स, और किसकी बात करी जा रही, टू राहुल की बात करी तो टू राहुल, टू मी, टू टीचर, टू सर्वेंट एंड टू मोनिका, और बहुत सारे सेंटेंसेस आप इस आधार पे बना सकते हैं। ओके, लेट्स सी अदर। देखना, मुझे मिले हुए दो दिन हो गए हैं, ठीक है, थोड़ा सा मैं चेंज करता हूं, मुझे मिले हुए दो दिन हो गए हैं, मुझे मिले हुए दो दिन हो गए हैं। अब देखना भी है किसी के लिए, पहले आप जो पैरेंट सेंटेंस था आपका कर रहा था, इट हैज बीन, आपने क्या लिखा था, इट हैज बीन, और किसे, मुझे, मुझे दो दिन हो गए भैया, देखना, इट हैज बीन टू डेज, टू डेज टू मी, मतलब कि मुझे दो दिन हो गए, क्या किए हुए भैया, यहां पे देखेंगे फ्रेंड्स, तो यहां पर मिले हुए, देखना आप आंसर, मुझे दो दिन, इसको अगर मैं इरेज कर देता हूं, देखना यहां पे हाइड करता हूं, तो मुझे दो दिन हो गए मीन्स इट हैज बीन टू डेज टू मी, तो आप सीख चुके हैं, सिर्फ नया इसमें क्या है, मिले हुए, इसे मिले हुए, सोए हुए, पढ़े हुए, मुझे मिले हुए दो दिन हो गए हैं, मुझे लिखे हुए दो दिन हो गए हैं, मुझे याद किए हुए दो दिन हो गए हैं, मुझे सोए हुए दो दिन हो गए हैं, या मुझे सोए हुए चार घंटा हो गया, इस तरह के पैटर्न में आप जब भी आएगा, इट हैज बीन टू डेज टू मी, हैविंग आप यूज करेंगे, मिले हुए, खाए हुए, सोए हुए, पढ़े हुए, आप हैविंग का यूज करेंगे, और उसके बाद मिलना का क्या होता है, मीट, मीट मीन्स होता है मिलना, लेकिन यहां पर आप इसकी थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे, मेट लिखेंगे, क्या यूज लिखेंगे, मेट, ये जो रहेगी आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म का आप यूज करेंगे, हैविंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होता है। ओके, जैसे मुझे मिले हुए दो दिन हो गए हैं, उसे मिले हुए, आप बस थोड़ा सा यहाँ पे इरेज करिए, टू मी की जगह पर आप क्या कर सकते हैं, जैसे मैंने कहा था उसे मिले हुए दो दिन हो गए हैं, तो यहाँ पे उसे की इंग्लिश क्या गई, टू मी की जगह आप क्या लिखेंगे, टू हिम लिख सकते हैं। ओके, टू हिम लिख सकते हैं। अगर यही सेंटेंस, यही पैटर्न स्ट्रेंथ थोड़ा चेंज होता, अगर यहाँ पे रहता नाम आया था, राहुल को मिले हुए दो दिन हो गए हैं, तो आप यहाँ से आप हिम को इरेज करेंगे और क्या लिख देंगे, राहुल लिख देंगे। ओके, जैसे श्वेता को मिले हुए दो दिन हो गए हैं, तो आप यहाँ इरेज करके क्या लिख देंगे, श्वेता लिख देंगे। ओके, जैसे मैं अंजलि को मिले हुए दो दिन हो गए हैं, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, टू मी अंजलि। ओके, दो महीने, यहाँ पे अगर दिन के जगह पर अगर मंथ होता तो यहीं पे आप मंथ लिख देंगे, बिल्कुल इजी है। अगर यहाँ पे इयर्स होगा, साल होगा, वर्ष होगा, तो आप किसी डेज की जगह पर क्या लिख देंगे, इयर्स लिख देंगे। ओके, आई होप यू विल अंडरस्टैंड। और यहाँ पे बात याद रखिएगा, जब भी मिले हुए, किए हुए, खाए हुए, सोए हुए, पढ़े हुए की बात आएगी, तो आप हैविंग का यूज करेंगे, और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। जैसे मैं कहूँ कि मुझे मुझे लिखे हुए दो दिन हो गए हैं, तो अब मैं क्या करूंगा, मुझे लिखे हुए दो दिन हो गए, जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा, देखिएगा, मुझे लिखे हुए, मुझे लिखे हुए दो दिन हो गए हैं, मुझे लिखे हुए दो दिन हो गए हैं। ओके, तो अब मैं क्या लिखूंगा, सेम इट हैज बीन कितने दिन, इट हैज बीन टू डेज टू मी, मतलब कि मुझे दो दिन हो गए हैं, क्या किए हुए, लिखे हुए, तो मैं यहां पर लिखूंगा हैविंग। अब लिखने की थर्ड फॉर्म क्या होती है, राइट, रोट, थर्ड फॉर्म क्या बनेगी आपकी, रिटेन बनेगी, डबल टी ई एन, मीन्स अब ये आपका कंप्लीट कर दिया, इट हैज बीन टू डेज टू मी, मीन्स मुझे दो दिन हो गए हैं, हैविंग रिटेन मीन्स लिखे हुए। ओके, ये पार्ट फर्स्ट आपका कंप्लीट होता है।
इसके बाद आपको पार्ट सेकंड भी आपका इसका बहुत ही जल्दी आप लोगों के सामने आएगा। और उस पार्ट सेकंड में जैसे हमने यहाँ पे पढ़ा है, समय हो चुका है या समय हो गया है के लिए हम हैज बीन का यूज करेंगे। उस पार्ट में आपको मिलेगा समय हो चुका था या समय हो चुका था। क्या उसमें मिलेगा आपको? समय हो चुका था या फिर क्या होगा, समय हो गया था, इस तरह का उसमें आएगा आपको। और जब उसमें आप लोग सीखेंगे किसके बारे में, हैड बीन के बारे में सीखेंगे। ओके, इट के साथ हैड बीन का प्रयोग इसमें होगा। तो ये वाली भी पार्ट टू वाली वीडियो भी आप देखना ना भूलें। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।